क्या नाम है चाचा आपका? सुरेश चंद। क्या करते हैं सुरेश जी आप? मैं भिलाई स्टील प्लांट का कर्मचारी हूँ। पहले मैं बॉक्सर खिलाड़ी हूँ। पहले आप बॉक्सर रहे हैं? हाँ, बॉक्सर। आपके दोस्त हैं क्या? ये मेरे गुरु हैं। अरे ये सम्मान। और मैं किस पार्टी से जुड़े हैं आप? मैं कांग्रेस से ही जुड़ा हूँ। कांग्रेस से जुड़ा है। ये लोग भाजपा के लोग कह रहे हैं कि 5 साल में पेवर ब्लॉक लगने के अलावा, ये आपके जो चेले हैं जिन्होंने भी आपके पांव छुए, इन्होंने भी कहा पेवर ब्लॉक लगा है और कोई काम नहीं हुआ है 5 साल में भिलाई नगर में। पेवर ब्लॉक किसका है पहले ये पता कर ले। बताइए, आगे आइए। नहीं नहीं, मैं ये बता दे रहा हूँ उनका। हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, भिलाई में पिछले 5 वर्षों में मात्र अपराध बढ़ा है। आप तो कह रहे हो आप कांग्रेस के हो? हाँ, अच्छा बताइए। एक मिनट, आदमी सच बोलना मेरा काम है। और अगर मेरी पार्टी का आदमी कोई भी हो, अगर मेरी पार्टी गलत आदमी को टिकट देती है और गलत लोगों को आगे बढ़ाती है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे किसी भी पार्टी, कौन गलत आदमी है, मैं विरोध करूंगा। कौन है गलत आदमी? भिलाई में 5 सालों में लाइन ऑर्डर खत्म हो चुका। पहला कह रहे हैं उसके लिए यहाँ के विधायक देवेंद्र यादव जिम्मेदार है। किसकी जिम्मेदारी है? शासन प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी है भैया? अगर मैं विधायक हूँ तो मेरा काम है कि मेरे शहर में शांति व्यवस्था बरकरार रहनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, पार्टी ने फिर उनका टिकट क्यों रिपीट किया? शिकायत नहीं थी आप लोगों ने? चंद्रदेव राय ने किया। 3-4 लाख रुपए, 40 लाख रुपए में फंसे, जो 3 करोड़ में फंसा उसको पर, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, आप कांग्रेस की रीति नीति में परिवर्तन आ चुका है। अच्छा। कांग्रेस में अब उन्हीं को टिकट दी जाएगी जो जितना बड़ा भ्रष्टाचार करेगा। बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में धन कहाँ से आया? और आज तक के भिलाई स्टील प्लांट में, सॉरी भिलाई विधानसभा में, फूलचंद बापना से मैं बहुत पुराना हूँ, मेरी उम्र भी हो रही है अब, और मैंने ये देखा है कि किसी विधायक के घर ईडी ने छापा नहीं मारा। भिलाई के ही विधायक के घर पहली बार छापा, इसके पहले बदरुद्दीन भी कांग्रेस से रहे हैं, भजन सिंह निरंकारी रहे, अरुण बोरा रहे हैं। पहली बार छोड़िए, मोतीलाल बोरा केंद्रीय मंत्री, विधानसभा मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इतने जनप्रतिनिधि रहे, मगर आज तक आईटी की रेट किसी के घर पे नहीं पड़ी होगी, मगर ये पहले ऐसे विधायक है। मेरा नाम रोहन सिंह है भैया। रोहन क्या करते हो? मैं पीएचडी कर रहा हूँ भैया। जी, मैं इनकी बात सुन लो जी भैया। और दूसरा, भिलाई में माननीय पांडे जी, मैं पांडे जी का भी विरोध करता था। हाँ। जब अगर उनके अगर मान लो उनके टीम से कोई गलत किया तो हमने आवाज उठाई है। उनकी टीम से क्या गलत हुआ? अगर मान लो कभी किसी ने, मान लो कोई लड़का बदमाशी कर दिया, कुछ कर दिया, थाने में नहीं किसी की सुनवाई हुई, तो हमने भी किया। लेकिन पांडे जी के टाइम में ये नहीं था। पांडे जी जिस आदमी को पकड़ लेते थे कि अगर ये गलत है तो उसको दुत्कार देते थे। यहाँ जो जितना गलत है उतना करीब आओ और जो जितना कमा के दे सकता दो। अभी ये रेड पड़ी जो कोल घोटाला हुआ, जिसका क्या इल्जाम है देवेंद्र यादव पे? भाई कोल घोटाले में सीधा आरोपी है, इंजाम क्या है? आरोपी पर टन 30 रुपया, पर टन 30 रुपया, 25 बता रहे हैं, हो सकता है 2500। ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, अभी भी उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। 3 करोड़ के मामले में है, बाकी 200 करोड़ का टोटल मामला। 3 करोड़ का रिकॉर्ड जो अपने बयान में विधायक जी ने स्वयं दिया है कि मैंने ये इतने तारे, पहले जो ऊपर मैसेज आ रहे हैं वो हटा लो जल्दी से, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, पता चला नोनू सोनू वाली गल्ला भी आ गई। ये देखिए देवेंद्र यादव ने बयान जो दिया उसमें किस किस तारीख को किसका कितना रुपए लिया। ये देखो, एक तो बॉक्सर चाचा हो रहे हैं नाराज। नहीं नहीं, तुम गुरु रुक जाओ, मैंने डांट दिया इनको। आप जाइए, ये दिखा रहे हैं। Analysis of seized diaries has revealed that at least rupees 3 crore has been transferred out of the proceeds of crime to Devendra Singh Yadav, MLA. Details of such diary entries are as below. आप भाजपा के अधिकारी हैं तो देखिए, आपके पास लगातार भाजपा की तरफ से भाजपा के पदाधिकारी हैं। पदाधिकारी मैं कार्य समिति सदस्य हूं प्रदेश से। और चिंटू भैया का मैसेज आ रहा है। हेलो चिंटू भैया, ये अभी बिजी है, कैमरे पे है, ये यहाँ नन्हे के यहाँ चाय पीने आया है, अभी बिजी है। ये आप बता रहे हो, ये सारी की डिटेल, ये सब आप लोगों को कहाँ से, आपके पास आया? अब हम आपकी पार्टी की तरफ से भेजा गया होगा, न्यूज चैनल न्यूज में भी बताया गया, पार्टी की तरफ से नहीं, वो उनके पास खुद होगा जो आरोपी है। मैं ये आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, भिलाई कहाँ, आपका कब से कांग्रेस से मोह भंग शुरू हुआ? इस बार से एक, अरे रुको ना यार, ये मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। आपका कांग्रेस से मोह भंग कब से शुरू हुआ? कांग्रेस से मोह भंग तब से शुरू हुआ जब से मैंने भिलाई में ये देखा कि युवाओं को महादेव आईडी में रोजगार दिया जाने लगा।
लड़के आईटी करके आईआईटी करके वो आईटी कंपनी में जाना चाहते हैं, उनको महादेव आईडी की ओर ढकेला गया। नशे का कारोबार हर स्कूल के ग्राउंड में, हर खुली जगह आज भिलाई की जगह बार बन चुकी है। कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई वो नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, भिलाई में अपराध बढ़ चुका है। एक चीज बताइए जो हमने इनसे पूछी थी कि 2018 में प्रेम प्रकाश पांडे के हारने की वजह क्या रही भिलाई में? क्या होता है भिलाई में प्रेम प्रकाश पांडे की नया चेहरा देख के और भोला भाला चेहरा देख के, लेकिन किसी ने नहीं समझा कि ढोंगी चेहरा है। ढोंग और फरेब करने वाले को आदमी ने पसंद कर लिया। ऐसा ना हो कल सुबह विधायक जी आपको मनाने आ जाएं कि चाचा आप क्यों इतने नाराज हो। नहीं नहीं, मैं नाराज की नहीं, अरे वो कई बार कर चुके हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरा रिकॉर्ड है भिलाई में, पूछ लीजिएगा किसी से भी। मैं पहला आदमी हूँ जो कोई भी गलत किया वो मेरे घर का भी सदस्य होगा, मेरे पिताजी भी होंगे, तो मैं विरोध करूंगा। ये मेरा पहला, अगर 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 भिलाई, अब भिलाई बचाना है। और माननीय पांडे जी ने आईआईटी लाया, ये महादेव आईडी लाए, ठीक है। माननीय पांडे जी ने शिवनाथ नदी से छावनी तक के पानी पहुंचवाया, ये दारू पहुंचवा दिए, ठीक है, पानी मिला के। एक सेकंड, हम पहले ये समझना चाहते हैं कि एतराज ये है कि दारू पहुंची या ये है कि मिलावट के साथ पहुंची चाचा? नहीं नहीं, दारू जो पहुंची है वो तो देवेंद्र के इसमें पहुंची है, क्योंकि नहीं आप कह रहे हैं कि पानी मिला के कौन है, अभी मिल रहा है ना पानी मिला के, पहले शुद्ध सादा गया है, पहले शुद्ध शराब मिलती थी, पहले शुद्ध सादा जल गया है, अभी जो जा रहा है, अभी इन लोगों ने जो निर्माण करवाया उसमें मैं बता दूं आपको, भिलाई इस्पात संयंत्र में मैं खुद, अरे रुको तो यार, या तो तुम बोलो या मैं बोलूं, आप बोलो ना। भिलाई में, भिलाई के टाउनशिप के लोगों को धोखे में कैसा रखा गया, मैं आपको एक चीज और का उजागर कर रहा हूं। यही वो जगह है जहां लीज का डिबेट हुआ था, जिसमें मैं भी था और कांग्रेसी भी पूरे थे। इन्होंने खुलेआम जोर जोर से चिल्ला के आज भी बोल रहे हैं कि लीज की रजिस्ट्री हो गई भिलाई में, भिलाई इस्पात संयंत्र स्वयं लीज में है, और वो लीज में जो भिलाई इस्पात संयंत्र की ये पूरी जगह लीज में है, ये लीज की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, और लीज की रजिस्ट्री जो हुई नहीं है, वो लीज डीड का रजिस्ट्रेशन को ये रजिस्ट्री बता के लोगों को गुमराह किए। इनका प्लानिंग था कि 4500 लोग लीज के नाम पे 4500 लोग जो वो करेंगे, तो 4500 गुणी चार ये हिसाब लगा के वोट गिन रहे और लोगों पे झूठ बोल रहे थे। वो लीज की रजिस्ट्री अगर ये एक करवा दे मैं इनको माला पहना दूंगा। सर भुवन सर, आई लव यू भाई, क्या नाम है आपका? सर अरबाज खान सर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सर। सर सवाल क्या था? सर सवाल कुछ नहीं सर, मैं पागल हो गया, मैं भूल गया। बहुत बढ़िया, भगवान तुम्हें जल्दी स्वस्थ करे। अरे बेटा आदिल एक बात सुन, ये ललन टॉप का इवेंट है तो ललन फ्लॉप बातें मत कर। तो चंबल की डकैती और अवधोजा की बकैती, स्कूल में कुछ भी गलत हो तो प्रिंसिपल को एक ही नाम याद आता था, अवधोजा। तो मैं उनसे कहता था सर कहीं तो खिलवा दो। अरे बैठो चुपचाप, तुम्हारे बाप कभी बॉल पकड़े? उस आदमी ने जिस दिन ये कहा ना कि तुम्हारे बाप कभी बॉल बैट पकड़े, मैंने कहा बैट वैट तो ना पकड़े मास्टर, आज शाम को बताएंगे बैट चलाया कैसे जा। अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है लल्लन टॉप अड्डा, फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।